बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम नाज़रीन को गेट एंड शेयर नॉलेज में वेलकम। आज का जो फार्मूला है जो रिसेंटली ऑफिशियली पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने वेबसाइट पे अपलोड की है, जो ये फॉलो करेगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर अ लेक्चररशिप 2021 में जो 1900 पोस्ट एडवर्टाइज हो चुके हैं, तो उसका ट्रिक्स जानने की कोशिश करते हैं दो तरीक़ों से। पहला जो हमारे पास एनुअल सिस्टम होगा उस पे, और फिर उसके बाद बीए सिस्टम पे, तो दोनों को कर लेंगे और हमारा जो एकेडमिक एवरेज बनते हैं इन अ परसेंटेज, तो उसको निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो हमारा एनुअल सिस्टम है उस पे। ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है। मैट्रिक, एफएससी, बीए और एमए या एमएससी के जो मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स, उसको लिख लेंगे यहाँ पे। उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 2134 आ गए। फिर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स कितने में से लिए, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो 3000। अब इसका सिंपल परसेंटेज मालूम करना है, तो ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ऑब्टेन ये है और ये टोटल है, तो उसको डिवाइड कर लेंगे फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जब कर लेंगे, ये ऑब्टेन हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 100 और ये टोटल मार्क्स, तो इससे हमारे पास 71.3% आ गया एकेडमिक, टोटल एकेडमिक इन एनुअल सिस्टम। अब हम दूसरे सिस्टम जो कि बीएस का सिस्टम है, सेमेस्टर का सिस्टम, उस पर निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैट्रिक और एफएससी, इसको हम पहले टोटल करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाते हैं ऑब्टेन मार्क्स और ये टोटल मार्क्स मैट्रिक और एफएससी में। फिर इन दोनों का कंबाइन एवरेज अगर हम निकाल लें, तो ये हमारे पास बन जाते हैं दोनों का, मैट्रिक और एफएससी का एग्रीगेट परसेंटेज या कंबाइन परसेंटेज, तो ये 68.6 हमारे पास बन जाते हैं। अब इसका जो बीएस का सिस्टम है, उसमें जीपीए होते हैं, तो ये ऑब्टेन जीपीए या ये टोटल जीपीए, इसका परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, इसको अगर हम कर ले, तो इससे हमारे पास ये फिगर आ जाते हैं 90.93.75 पे। फिर अब जो कमीशन ने एक चीज़ न्यू ऐड की है, वो मल्टीप्लाई बाय 0.9, ये जो है, इसकी मदद से कमीशन वालों ने कोशिश की है कि जो डिस्क्रिपेंसीज आते हैं एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम में, उसको और कम करने की कोशिश की है। जो बहुत ज़्यादा फ़र्क आते हैं एनुअल और बीए सिस्टम में, तो उसको कम करने के लिए फिर इस परसेंटेज को आपने मल्टीप्लाई करने हैं 0.93 से, तो उससे फिर ये 84.375 आ जाते, ऑलमोस्ट 10-9% कम हो जाते आपका मार्क्स। तो ये हमारे पास जो फाइनल परसेंटेज है बीएस का, ये आ गया जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.9 से। अब टोटल परसेंटेज मैट्रिक, एफएससी और बीएस का, उसको निकालने के लिए आपका ये फार्मूला है, इसको ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये है ये। और जो हमारे पास बीएस का है, तो ये है, इन दोनों को जमा कर ले, ये एफए एफएससी का है मैट्रिक का और ये बीएस का है, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड, क्योंकि ये 2 है, 2 पे डिवाइड करके, तो आपके पास जो एवरेज है वो या परसेंटेज है, वो ये आ जाएगा 76.84। ये टोटल एकेडमिक एग्रीगेट बन जाते हैं आपका, जो ऑफिशियली फार्मूला पब्लिक सर्विस कमीशन पे है उसी के मुताबिक।